बात करेंगे मध्य प्रदेश में वेटनरी कॉलेज के बारे में, ठीक है। टोटल कितने कॉलेज हैं, क्या इसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक कैटेगरी का, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर पड़ेगा, क्या इस कॉलेज में फैसिलिटीज चलते हैं, क्या इसका कटअप जाती है ऑल इंडिया नीट के स्कोर पे, ठीक है। यदि आप सिर्फ मध्य प्रदेश स्टेट वाले तो क्या करेंगे इसके लिए, हर एक इसका एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, अभी बारी बारी से देखेंगे, स्टेप से स्टेप देखेंगे, ठीक है। थोड़ी सी इस भी बात कर लेते हैं हमारे कि इस कॉलेज का जो मध्य प्रदेश स्टेट में जो वेटनरी कॉलेज हैं, ठीक है, पहले मध्य प्रदेश में है, ये बात समझ आई है। मैट के थ्रू भी देखेंगे मध्य प्रदेश स्टेट में की जगह है ना। इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, देखिए चार वेटनरी कॉलेज हैं या फिर तीन है, 1, 2, 3 है, तीनों का कॉमन यूनिवर्सिटी है, ये तीनों का कॉमन यूनिवर्सिटी है ये वाली, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, नाताजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का नाम है। तो देखिए यूनिवर्सिटी कॉमन हो गया तो कॉलेज भी सेम हो जाएंगे, ठीक है। जो कॉलेज जबलपुर की होगी वही महू की होगी, वही रेवा की होगी, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी सेम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है कॉलेज का भी क्या रहेगा, ठीक है, कॉलेज डिसाइड नहीं करता है। तो चलिए डिसाइड करने वाले बाद देखेंगे कि हर एक कॉलेज की क्या फीस पड़ेगी। तो चलिए थोड़ा सा फर्स्ट कॉलेज का देख लेते हैं जबलपुर वाले, ठीक है। कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जबलपुर इसका नाम है। टोटल सीट सब में कॉमन है, नहीं है, इसमें 97 है, इसमें 97 है, जबकि इसमें रेवा में 96 ही है, ठीक है। तो जबलपुर वाली जो है इसमें 97 वेटनरी कॉलेज का सीट है, ठीक है। तो इसमें ऑल इंडिया भिसाई 50% जो कोटा के थ्रू एडमिशन होगा 15 सीट पे होगा, मीन्स कि देखिए टोटल नंबर ऑफ वेटनरी कॉलेज जो है इस सीट का जबलपुर में, ठीक है, उसमें सीट्स जो है 15 हैं। ऑल इंडिया 50% कोटा सीट क्या है, जो नीट स्कोर दिए हैं, नीट एग्ज़ाम दिए हैं उसके लिए। ये आप अदर स्टेट में बिलोंग करते हैं या फिर सेम स्टेट में बिलोंग करते हैं, यदि आप नीट एग्ज़ाम दिए हैं तो आप 15% 15 सीट पे आप एडमिशन लेने के लिए काबिल हैं। यदि आप नीट का स्कोर कटअप के रेंज में है तो, कटअप के अराउंड नहीं है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। इसका कटअप भी बात करेंगे लास्ट में, बट अभी सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो 15% कोटा सीट में 15 सीट तीनों में कॉमन है, सब में 15 सीट कॉमन है, ठीक है। VCI के थ्रू यदि नीट का एग्जाम दिए हैं तो VCI के थ्रू काउंसलिंग कराना पड़ता है, ठीक है, 15% कोटा के थ्रू। जैसे आप मेडिकल का MBBS के लिए यदि आप अप्लाई किए होंगे या MBBS के लिए आप यदि मतलब काउंसलिंग करेंगे तो MCC कराए हुए थे ना काउंसलिंग, उसी टाइप यहाँ वेटनरी का एडमिशन चाहिए तो उसमें नीट का स्कोर दिए तो VCI कंडक्ट करती है, ठीक है, तो उसको देना चाहिए। तो सब में 50-50 सीट है, 15-15। इसमें देखिए UR कैटेगरी के लिए कैटेगरी वाइज सेपरेशन है, 5 सीट्स हैं, जबकि महू में 6 सीट्स हैं और जे रेवा में 5 सीट्स हैं। PR के लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि रेवा में 1 सीट जगह है। जनरल AWS के लिए 1 सीट जबलपुर में है, 2 सीट महू में है और 2 सीट रेवा में है। PWS के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। OBC के लिए 4-4 सीट हर एक कॉलेज में है, जिस कैंपस में जाना है 4 कैंपस है ही। PWS के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। SC के लिए 3 सीट जबलपुर में है, 2 सीट महू में है, 2 में रेवा में है। SC PWD के लिए कोई सीट्स नहीं है। SC ST के लिए 2 सीट जबलपुर में है, 1 सीट महू में है और 1 सीट रेवा में है, जबकि ST PWS के लिए कोई सीट यहाँ नहीं है, ठीक है। ये थे सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब चलिए कॉलेज के बारे में ज़्यादा जानना है तो आपको इस यूनिवर्सिटी में कब वेबसाइट पे गूगल पे सर्च करके देखना होगा। तो चलिए इस वेबसाइट को कॉपी करते हैं और आपको गूगल पे लेके चलते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट कट करना है और आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है क्रोम, और क्रोम पे जाके आपको सर्च कर देना है नेताजी देशमुख वेटनरी कॉलेज जबलपुर, ठीक है, सर्च कर दिए। तो देखिए सर्च करने के बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है, कैसा देखने को, ऐसा यही वेबसाइट है NDVSU, ठीक है, यही वेबसाइट है, रियलमी का वेबसाइट यही है। तो आपको एडमिशन लेना चाहिए तो आपको BVSC जो लिखा हुआ है, चलिए मैं आपके थ्रू पर देख लेते हैं, ठीक है, इस कॉलेज की जगह पड़ता है, ठीक है, इस कॉलेज का कैंपस का यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, नागपुर जो दिख रहा है ये देख रहे हो, पहले इंडिया से देखते हैं, ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड को मैं पे वर्ल्ड में इंडिया में बिलोंग करता है, बिलोंग में इंडिया में भी कहाँ पे दिखेगा, ये मध्य प्रदेश स्टेट में ना, ये मध्य प्रदेश स्टेट में है, ये बात मध्य प्रदेश स्टेट में। देखिए जो रेड वाले लोग दिखा रहे हैं अभी, ये देख रहे हो नेताजी देशमुख वेटनरी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन साइंस, ये कैंपस यहाँ पर जगह, ठीक है, 3 कैंपस हैं। अब जहाँ पे जिसका बनेगा यहाँ पे वेटनरी साइंस का देशमुख, नेताजी देशमुख वेटनरी साइंस, यहाँ पर वेटनरी साइंस है। और कौन जगह है वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, जब वहाँ पे अलॉटेड लेटर आएगा तो वहाँ पे लोकेशन रहता है रियल में आपको कहाँ जाना है, ठीक है। तो चलिए मैप के थ्रू देख लिया, देन आपको बैग चलनी है, मैप के थ्रू बैग चलना है, देन आपको BVSC जो लिखा हुआ है BVSC, ठीक है, उस पर आपको टच करनी है, कर लेते हैं। तो देखिए BVSC एनिमल साइंस के बारे में हर एक चीज़ यहाँ लिखिएगा, ठीक है, कैंपस के बारे में हमें कुछ
कॉलेज का लोगो है, ठीक है। जब कैंपस जाएंगे यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का लोगो मिल जाएगा आपको। देन आपको देखिए एडमिशन के लिए आपको दो चीज़ है, पहले कि ये मध्य प्रदेश स्टेट वाले के लिए एक एग्ज़ाम होता है प्री वेटनरी फिजिक्स टेस्ट, जो एमपी स्टेट वालों के लिए ही है सिर्फ, ठीक है। अदर स्टेट वाले इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकता है, बट एमपी में आपको एडमिशन चाहिए वेटनरी में तो आपको नीट एग्ज़ाम देना होगा, अदर कोई ऑप्शन नहीं है। नीट में देना होगा, अच्छा स्कूल आना होगा और VCI में आपको काउंसलिंग करना होगा। 15% कोटा के थ्रू आप एडमिशन पा सकते हैं, ठीक है। यदि आप नीट दिए हैं और मध्य प्रदेश का ही स्टेट वाले हैं तो आप 15% के थ्रू आप एडमिशन पा सकते हैं, लेकिन 85% सीट पे आप एडमिशन नहीं पा सकते हैं। इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, प्री वेटनरी टेस्ट, ठीक है। समय की बात है, यदि आप एमपी वाले स्टेट वाले हैं, आपका स्टेट एमपी है, तो आपको एग्ज़ाम 85 सीट पे चाहिए या फिर 15% पे। यदि 15% पे चाहिए तो आपको नीट देना होगा, यदि आपको 85% पे चाहिए तो आपको प्री वेटनरी टेस्ट देना होगा। समझ रहे, प्री वेटनरी टेस्ट आप 85% पे एडमिशन होगा और नीट का स्कोर पे 15% पे एडमिशन होगा। ये बातें आपको समझाना चाहिए। यही चीज़ लिखा था कि इसमें टेस्ट होता है, इसका नाम था PB and VT, ठीक है। जो एडमिशन का डेट आया कि नहीं आया इसके लिए अलग आपको देखना होगा। देन आपका कि मिनिमम एडमिशन का क्रिटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आप लिखा है कि एज से रिलेटेड, बहुत लोगों का डाउट होता है कि भाई एज का लिमिट तो चक्कर नहीं, यहाँ पर लिखा है 17 साल होना चाहिए, ठीक है। 31 दिसंबर के पहले बिफोर, ठीक है। एंड एडमिशन BBSC कोर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट टू लीड डाउन एंड मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं नीट का ही मतलब क्रिटेरिया को सर्टिफाई किया कि मिनिमम 17 साल होना चाहिए, तो इस तरह एडमिशन के लिए 17 मैक्सिमम यहाँ पे लिमिट नहीं रखा है, ठीक है। चाहे कोई भी कैटेगरी हो, 17 साल ही मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम नहीं अलाउ है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेक्शन ऑफ स्टूडेंट कोर्स से एडमिटेड बोर्ड, कौन कौन सा बोर्ड से एडमिशन होना चाहिए, सब चीज़ है। एडमिशन फ्रेस ये नोटिफिकेशन अलग है। सीट रिजर्वेशन कौन सा मऊ में क्या है, जबलपुर में क्या है, रेवा में कौन है, कौन किसका सीट है, यहाँ पे दे रखा हर कैटेगरी का, ये चीज़ें मैं तो पहले ही देख रखा हूँ। अब देखो कि आप यदि आप या VCI वैसनरी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, जो आप नीट दिए होंगे, अदर स्टेट बिलोंग करते हैं या फिर मध्य प्रदेश से ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको VCI के थ्रू काउंसिलिंग कराना होगा, तो टोटल सीट जबलपुर में 12 हैं, सब में 12 हैं इस, ठीक है, सब में 12 हैं, चाहे रेवा में है, चाहे जबलपुर में हो, चाहे मऊ में, सब में 12 सीटें हैं VCI के थ्रू, जो टोटल 36 सीट होते हैं। हर कैटेगरी का अलग अलग होगा जो यहाँ पे दे रखी है। आप यूआर कैटेगरी में कौन सा सीट है, SC के लिए कौन है, ST के लिए कौन है, SF के हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझाना चाहिए। देन है कि आपका फीस स्ट्रक्चर, बहुत लोगों को डाउट फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना होता है, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है ऐड करना, सेकंड ईयर यहाँ दे रखा है, थर्ड ईयर यहाँ दे रखा है, फोर्थ ईयर यहाँ है, फिफ्थ ईयर यहाँ है, ठीक है। टोटल ऐड किया जाए, ठीक है, कौन कौन सा फी लग रहा है, हर एक चीज़ यहाँ मेंशन कर रखा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी फी है, डिग्री फीस है, हर एक चीज़ यहाँ देख के आप नीचे आएंगे, टोटल फीस ऐड नहीं किया, टोटल फी ऐड नहीं किया हुआ है, ट्यूशन फी टोटल ऐड नहीं हुआ है, तो आपको ऐड करना होगा, जोड़ना होगा, ठीक है। टोटल कितना आता है, ट्यूशन फी यहाँ पे दे रखा है, हर ईयर का ट्यूशन फी क्या है, इसमें से फीस शीट इतना है 40,000 के आसपास, सब में 40-60 है, फोर्थ ईयर में आपको 60,000 लगेंगे ट्यूशन फी के लिए, ठीक है। पेमेंट सीट है कि जो प्राइवेट से करना चाहते हैं इसके लिए ये सीट है, ठीक है। NIR सीट के लिए, मतलब वो इंडियन है बट वो फॉरेन में रहते हैं, इसके लिए इतना पैसा लगेंगे कॉलेज भी, ठीक है। फीस सीट जो VCI के थ्रू आते हैं या फिर स्टेट वाले हैं या फिर कश्मीरी हैं, अच्छा टोटल आप जोड़ के रख दिया है, 73,860 रुपये लगेंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 66,750, सेकेंड ईयर भी, थर्ड ईयर भी सेम फीस है, सेकेंड और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर है आपका 95,250 रुपया और यहाँ पे फिफ्थ ईयर है 66,575, ठीक है। तो आपको फी जो फी करना होगा सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फिफ्थ ईयर सेम फी है, ठीक है। तो फी अच्छा खासा है, ठीक है। और पेमेंट से या फिर NIR है और ज़्यादा फी होगा, लाखों में चल जाता है, ठीक है। बट ये तो लाखों में तो नहीं जा रहा, 1,000 में ही है ना। ये चीज़ें था। अब एडमिशन की फी के लिए, फुल टाइम एडमिशन फी स्ट्रक्चर, ये चीज़ें आप देख लिए। देन आपका देखिए वो था कॉलेज फी, फर्स्ट ईयर का कॉलेज फी ये पड़ेगा, चाहे आप स्टेट वाले, मध्य प्रदेश स्टेट वाले हैं, चाहे VCI से एडमिशन ले रहे हैं या कश्मीरी वाले हैं, आपको ये पे करना होगा। देन हॉस्टल फी अलग है, ठीक है, कॉमन नहीं है, हॉस्टल फी आपको लगेगा क्या है, फोर्थ ईयर, हर ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ठीक है। यहाँ पे नीचे दे रखा होगा 21,000 समथिंग है, 17,000 है, 17,000 है, 25,000, 25,500 है, 17,000 है, ठीक है। तो आप वहाँ पे और कॉलेज फी और हॉस्टल फी दोनों को ऐड किया जाए, लगभग 1,00,000 पर ही जाएगा पर ईयर, समझ रहे हो, हॉस्टल फी प्लस कॉलेज फी 1,00,000 अप्रॉक्स पड़ जा रहा है। मैथ्स कुछ अलग करके, मैथ्स वाला खाना पीने के लिए अलग है ना, बस वो तो अपने पे डिपेंड करता है मैथ्स का, ठीक है ना। मैथ्स तो पर मंथ तो 3,500 चलता ही है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना, 1 साल का निकल जाएगी और 5 साल का निकालना, तो ऐसे ही जोड़ के निकाल लेना कि आपका मैथ्स भी क्या पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब क्रिटेरिया था। देन आपको कुछ पिक्चर देखना है कॉलेज का, आप देख सकते हैं एक कॉलेज का कैंपस है, ये जबलपुर वाली है, ये रेवा वाली है,
ये और कहाँ है, महोग वाला, ये महोग वाला कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा महोग वाला कॉलेज थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, और क्लियर पिक्चर दिखेगा। देखते हैं टच किए हैं महोग वाला कॉलेज का कैंपस के बारे में, ऐसा रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, फैसिलिटीज़ हैं, ये सारे फैसिलिटीज़ अंदर वाले हैं, ठीक है। ये कॉलेज का पढ़ाई चल रहा है, स्टडी रूम है ये, ये गर्ल्स हॉस्टल है दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लैब वूब है, एक कॉलेज के जस्ट आगे वाला फ्रंट है, आप देख सकते हैं कैसे कैंपस रहेगा महू वाली, ठीक है। ये महू वाले, ये सारे कुछ फंक्शन हुआ था, बैडमिंटन वैडमिंटन का आप देख सकते हैं, यहाँ पे हॉस्टल है। देन आपको सेकंड वाला देखना है तो बैंक चलना है, ये महू वाले देख लिए। देन आपको देखना है किसके वाले, जबलपुर कैंपस वाले, तो जबलपुर पर टच करना है, जबलपुर वाले सारे कैंपस आ जाएंगे, ये कैंपस है, ठीक है। कुछ कुछ फंक्शन चलता है तो ऐसे ही देखने को मिलेगा आपको भी फंक्शन में, ठीक है। देन अभी सब में ले सकते हैं तो आपका एडमिशन होगा तो सब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कुछ यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हुआ था, ये सब चीज़ें हैं, ये प्रोग्राम है, यहाँ पे कुछ सेशन प्रोग्राम का सेशन है, यहाँ पे कुछ कुछ चल रहा है डिफेंस टेक्नोलॉजी में, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहिए कि यहाँ पर, हाँ भाई 5 साल 5.5 से जा रहे हो, कुछ तो फैसिलिटी रहना चाहिए, हाँ अच्छा फैसिलिटीज़ है। देन आप और कुछ फंक्शन भी अच्छा खासा होता है ना, तो ये भी था, देख लिया। देन और देख लेते हैं, महू वाला हो गया, अब देखें रेवा वाली, ठीक है। तो जस्ट टच करना है रेवा पे, ओपन हो रही है, ये कुछ ऐसा कबड्डी उबड्डी चल रहा है क्या फंक्शन में, प्रोग्राम में कुछ ऐसा है, देख सकते हो, ये कुछ ऐसा प्रोग्राम हुआ है, ये कैंपस है, ठीक है। बॉडी जिम होगा, ये कुछ पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट है, एनिमल भी तो पेशेंट है, ये हमारा कैटल्स हैं, बफेलोज, काउज, कैंपस कॉलेज की हॉस्टल, ये लैब, ये क्या है, जिम भी है यार, यहाँ तो जिम ही है, ओ जिम है, जिम फिटनेस के लिए अच्छी बात है ये तो। ये कुछ वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, और ये इसी के साथ ख़त्म हो जाता है ना, ये सब चीज़ें तो देख लिए। कट ऑफ पे बात कर रहे हैं, यदि आप नीट का एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है ना, तो आपका 560 ये होना चाहिए ओबीसी कैटेगरी के लिए, जनरल वालों के लिए 580, जनरल वालों के लिए, एससी के लिए हो जाएगा 530 के प्लस के आसपास, और एसटी वालों के लिए 500 के अराउंड तो चलेगा, ठीक है। तो एक कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन और कुछ ज़्यादा जानना है तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं इस चीज़ का, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ रखा है अबाउट द नासू, उसके बारे में देख सकते हैं कि यार ये कब से स्टेबलाइज किया है, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यहाँ पे हर चीज़ रखा है, लैब फैसिलिटीज़, एफिनिटीज़, कॉलेज, लाइब्रेरी, ये तो लाइब्रेरी देख रखा नहीं दे रखा कि अगर लैब में ये सारी चीज़ें मिलेगा आपका, सरकम्फ्रेंस सेक्शन, इक्वालिसन सीरियल सेक्शन, रिफरेंस सेक्शन, लाइब्रेरी सर्विस ऑनलाइन मिलेगा, पब्लिक सर्विस, बुक बैंक स्कीम मिलेगा, रूल रेगुलेशन है, फोटोग्राफी सर्विस है, ये सब चीज़ यहाँ पे दे रखा है लैब में, ठीक है। और कुछ के बारे में दे रखे पढ़ना है तो जस्ट आपको पीछे बैक करना है और इन 3 डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखा है, आपको क्या जानना है, एक्टिविटी जानना है, ठीक है, रिसर्च के बारे में जानना है, एक्सटेंशन के बारे में जानना है, हर चीज़ यहाँ दे रखा है, फैकल्टीज़ के बारे में, डिपार्टमेंट वाइज फैकल्टीज़, हर एक डिपार्टमेंट के क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे दे रखा है, एनाटॉमीज, वेटनरी, एनाटॉमीज़, बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पे सारा फैकल्टीज दे रखा है, ठीक है, क्या क्या है फैकल्टीज़। और कुछ जानना है तो आपको जस्ट यहाँ जाना है, होम के बारे में पेज, होम पेज में क्या दिखा रही है, कुछ अभी अभी रिसेंटली कुछ हुए हैं उसका दे रखा है यार, नहीं दे रहा तो देखो, यही तो है फंक्शन, वीडियो है ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, हम पॉज नहीं कर रहे हैं, वीडियो स्लो है, जब तक पिक्चर क्लियर आता है तब तक वीडियो नेक्स्ट मूव लेकर जाते हैं। ये था, ये फंक्शन हुआ है, लक्ष्मी पूजा लग रहा है तो कुछ, ठीक है, ये सब प्रोग्राम होते रहता है फंक्शन, ठीक है, आपको भी देखने को मिलेगा जब कॉलेज आएंगे कैंपस। देन यहाँ का ऑनर डीन वाइस, कॉलेज का डीन वाइस सेलर कैन क्या है भाई, पढ़ लेना क्या है, इस यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। देन और कुछ जानना है इसके बारे में दोस्तों, जाना है पढ़ सकते हो, ठीक है, बाकी मैं यहाँ से विदा लेते हैं, थैंक यू।